कब से कह रहा हूँ घर चले जाओ ना भाई। रे ऐसे कैसे जा सकता हूँ, चाचा जी को ऐसी हालत में छोड़ के मैं नहीं जा सकता। जब तक चाचा जी उखड़ नहीं जाते मैं यही चिपका रहूंगा। उखड़ नहीं जाते मतलब क्या तुम्हारा? मतलब जब तक चाचा जी के पैर उखड़ नहीं जाते तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ खड़ा रे भाई खड़ा रे। अरे जेठिया ये पैरों का कुछ उपाय कर जल्दी से। बाह्य शब्दात बाह्य पण बाईचा काही उपाय नाही। उल्ले विनोद महाराज सॉरी सॉरी। दादाजी आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। हाँ चाचा जी। अरे कब मिलेगा? हाथी भाई आगे। बोली बेटा तुमने बताया था कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, पर यहाँ तो माहौल ही कुछ और है, सब तालियां बजा रहे हैं। नहीं नहीं पापा, वो तो आपको देख के सब लोग खुश हो रहे हैं इसलिए तालियां बजा रहे हैं। हाँ, मेरे आने की खुशी में ऐसा क्या किया मैंने? नहीं नहीं आपने किया नहीं है, अभी आप करेंगे इसलिए। हाँ हाँ कोमल, यहाँ क्या बातें हो रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं बेबी, प्लीज डॉक्टर के हैंडराइटिंग की तरफ बातें मत करो, साफ साफ बताओ क्या मेडिकल इमरजेंसी है। अरे पापा बताया तो था, दादाजी के पैर दरवाजे पर चिपक गए। तुमने बताया तो था बेटा, लेकिन मेरे आते ही सब तालियां बजाने लगे तो मैं कंफ्यूज हो गया। अरे अभी तो पता चल गया ना हाथीड़ा। अरे जरा देख कुछ कर इसका, मैं चिपक गया हूँ। जरूर जरूर। चाचा जी, और आप इस दरवाजे पे चिपके कैसे? गम लगा हुआ था, क्रिकेट खेल रहे थे, कैच पकड़ने गए, पैर चिपक गए। कुछ समझ में नहीं आया मुझे। अरे मैं अर्थवटल संग तो मैं पूरी बात बताता हूँ, मैं शुरुआत से बताता हूँ हुआ क्या। आ गया बाबू चिपके, काम करेगा एकदम हटके। पूरे दरवाजे पे गम तो लग गया, अबे चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। कैच 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 दादाजी पकड़ो। ये ऐसा सब हुआ है हाथी भाई। अच्छा अच्छा ऐसे हुआ। हाँ हाथीड़ा अब कुछ भी कर, लेकिन मुझे इस बंधन से मुक्ति दिला भाई। हाँ चाचा जी अभी करता हूँ कुछ। भाई ऐसे खड़े खड़े तो देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं हाथी भाई, उसका भी रास्ता है हमारे पास। अरे टप्पू बेटा हाँ? जा तो जरा मेहता साहब के घर के बरो खुर्ची और लेके आता बेटा। हाँ हाँ जल्दी जल्दी। रखते सामने रखते, बाबूजी के सामने रखते। आइए हाथी भाई आइए आराम से। खुश रहे। अच्छा अच्छा ठीक है।
पेट बहुत ज्यादा है ना, इसलिए कम करूंगा मैं। न मैं पाँव के पास जा पा रहा हूँ, न पाँव मेरे पास आ पा रहे हैं। करे तो क्या करे। अरे देवा, हाँ एक वेगळाच गोंधळ। हाँ, किसी तरह अगर चाचा जी को सुला सकते हैं तो कुछ बात बन सकती है। हाथी भाई, अभी तो हम लोग चाचा जी को वहां से यहाँ पे लेके आए हैं, और फिर से कुछ करेंगे तो उनको भी बहुत तकलीफ होगी। हाश्टवरी और इधर लाने में इतना स्ट्रगल हुआ है, तो चाचा जी को दरवाजे के साथ सुलाएंगे कैसे? हाथी भाई, दूरबीन लाओ, नजदीक से देखिएगा। नहीं नहीं, दूरबीन से काम नहीं चलेगा, चाचा जी को लेटाना ही पड़ेगा। अरे क्या लेटाना पड़ेगा, लेटाना पड़ेगा। अरे मैं कोई गाधी सा क्या हूँ जो वहां से उठा के यहाँ बिछा दिया, यहाँ से उठा के वहां बिछा दिया। गाधी तकिया, मिल गया आइडिया बाबूजी, आइडिया मिल गया। बताता हूँ अब्दुल, वो अपना शंभू स्त्री वाला है, उसकी लारी बारी होती है ना। हाँ? तो जरा लेके आना दोस्त, प्लीज अभी लेके। अंजलि भाभी, आप जरा घर से गादी और एक तकिया लेके आएंगे प्लीज? अरे ऑफ कोर्स, अभी लेके आई, पिंकू पकड़। मैं भी चलती हूं। हाँ चलो चलो। अरे जटिया, अरे भाई तू क्या करने वाला है मेरे साथ? हाँ जेठा जी, बताता हूँ बाबूजी, बताता हूँ। चाचा जी, जेठा प्राणी कुछ सोचा तो सोच समझ कर ही सोचा होगा, उसे चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। जेठा भाई, मिल गया। अरे वाह वाह वाह, अब्दुल्ला लाल, आए इधर, अरे आ रहा है साइज, इधर 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 ले, पास में ले ले। अबे अरे जेठा, तू मेरे साथ क्या करने जा रहा है, बता तो सही। बताता हूँ बापू जी, एक बार गाड़ी तक के आ जाए ना, फिर बताता हूँ। आ गए जेठा भाई, आ गए। अरे वाह वाह, गद्दी आ गई। हाँ यहाँ यहाँ रख दीजिए। ओके, थैंक यू थैंक। हाँ ये भी रख दीजिए। बापू जी, इस गद्दी पे आपको सुलाना है। क्या कब से आप खड़े हैं, तो थक गए होंगे ना, तो थोड़ा सा क्या लेटेंगे तो आपको आराम मिलेगा, और लगा हाथी भाई आपको चेक कर लेंगे। सही बात है, गुड आइडिया। बोली बेटा, मेरा बैग लेके आओ। हाँ एक मिनट। अरे लेकिन क्या कर रहा है भाई, इतना जगह है, घूम के आना। कोई बात नहीं, बच्चा है। वो बेबी बेबी बोल के आपने बिगड़ दिया, आपको तो बड़ा हो गया वो। अरे चेटिया, अरे तू मुझे इसमें सुलाएगा कैसे? ओ चाचा जी, तुसी फिकर ना करो, आपको एकदम आराम से सुला देंगे। बेटा अपना सुलाना कैसे? समझाता हूँ, क्या वो दरवाजा उठा के हम लोग इधर ऐसे ले आएंगे, फिर उठाएंगे, मतलब बापू जी ऐसे है, धीरे धीरे दरवाजा थोड़ा सा नीचे करेंगे, तो बापू जी इधर आराम से ऐसे बैठ पाएंगे, और फिर बैठ गए तो सीधे सो जाएंगे। वाह जीता वाला, वाह क्या आइडिया। सॉरी चाचा, सॉरी। आइए आइए, चलो उठा दे आराम से, आइए आने दो आराम से, आराम से, थोड़ा इधर नजदीक। अरे मैं क्या ऐसे पेट के बल लूंगा? अरे नहीं नहीं, सॉरी सर, घूम जा घूम जा, बापू जी की पीठ आनी चाहिए तारी की ओर, संभाल के। हाँ एक मिनट, आराम से आराम से आराम से बैठे। हाँ, अभी उसको ऐसा सीधा कर दो। हाँ हाँ, इधर मैं तकिया देता हूँ। चाचा जी, तुझे ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अभी ये दरवाजा थोड़ा पीछे लो। तू छोड़ दे पिंकू, तू छोड़ दे। आराम से आराम से आराम से आराम से। आइए बाबू, अभी आप आराम से सो जाइए।
संभाल के। अरे वो सुबह से खड़े हैं ना बेचारे, तो कमर अकड़ गई होगी ना। सही बात है, आराम से आराम। अरे भाई तू इधर से पकड़ना, थोड़ा सा पीछे लीजिए, थोड़ा सा ठीक है। ठीक है? नहीं नहीं जेठाला, चाचा जी को कहीं जाना नहीं है, ये पोपट ने धक्का मारा गाड़ी को। पोपटलाल क्या कर रहे हो तुम भाई? सॉरी सॉरी भाई। अरे क्या सॉरी, तुम्हारा पैर दब गया था, पैर दुख रहा है, फिर मैं यहाँ खड़ा हूँ, घर जाऊँ ना भाई? इसका छाता किसके पास है? ये कब से मेरे पास ही है। ए बेटा, इतना ज्यादा देर तक छाता नहीं पकड़ने का पाप लगता है। ला इधर, ला चलो चलो, तुम जाओ घर पे जाओ। तुम्हारा पैर दुख रहा है, पैर दब गया इसके नीचे, फिर भी यहाँ तुम अटक के, अरे तुम जाओ ना भाई घर पे। अरे जेठालाल, मैंने बोला ना भाई, चाचा जी को ऐसी हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? वैसे वैसे देख रहा था। अरे भाई जिसको देखना है उसको देखने दो ना भाई, जिसका काम उसको करने दो। शांति रखो ना भाई पोपटलाल। हाथी भाई देखिए आप भाई। ओके ओके। अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छी खबर है। हा? क्या? पैर सुन रहे हैं। उत्तरी, मतलब दादाजी आप पैर से भी सुनेंगे? ये नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। मेरे कहने का मतलब है अच्छी खबर है, पांव सुन नहीं हुए, सब ठीक ठाक। अच्छा ऐसे। चिंता मत कीजिए चाचा जी, आराम से करता हूँ। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ आते भाई, क्यों कर रहे हैं? हाँ। सुन रही हूँ। ऐसा केस तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। बहुत मजबूती से गम ने पैरों को चिपका दिया। हाँ। तो अभी दरवाजा खींचने से चमड़ी भी खींच सकती है। नहीं नहीं नहीं। मेरे एक दोस्त है, सर्जन डॉक्टर है, मैं उनसे बात करता हूँ, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। अगर भाई पैर चिपक गए, इसमें सर्जन को बुलाएंगे? माधवी भाभी, प्रॉब्लम दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। डोंट वरी, मैं बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कीजिए कीजिए कीजिए। बापू जी क्या हो गया? चिपक गया हूँ बेटा, मुझे आपकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है बापू जी। जेठा जी आप प्लीज हिम्मत रखिए, देखिए हम सब लोग आपके साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू बबीता जी। मेरी सर्जन से बात हो गई। उन्होंने कहा है कि चाचा जी को हॉस्पिटल लेके आओ, उन्हें इंजेक्शन दे देंगे, बेहोश करके फिर काट देंगे। हाँ? क्या? मेरे पैर काट देंगे? अरे नहीं नहीं चाचा जी, पैर नहीं दरवाजा काट देंगे। हाँ सॉरी सॉरी, वो गलती से मैं दरवाजा शब्द खा गया। उसने कहा है कि आपको बेहोश करके एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और दरवाजा निकाल देंगे। मैं अभी फोन करके एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। अरे आपने रुक जा, एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। अरे चाचा जी ऐसे थोड़ी होगा, आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगा के ऐसा बेहोश करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब ऑपरेशन हो गया।
अरे वही तो, मुझे बेहोश होना ही नहीं है, मैं फिर होश में आया ही नहीं तो। नहीं चाचा जी, ऐसा थोड़ा ही होता है, इंजेक्शन का असर जैसे ही कम होगा अब तुरंत होश में आ जाएंगे। नहीं मतलब नहीं, मैं ऑपरेशन कराऊंगा ही नहीं। लेकिन बापूजी इसका कोई तो इलाज करना पड़ेगा ना, आखिर कब तक आप ऐसे चिपके रहेंगे बापूजी? सही बात है चाचा जी। हाँ दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, हॉस्पिटल में मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपको एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं बोला ना, नहीं मतलब नहीं, मुझे बेहोश होना ही नहीं है, मैं ऑपरेशन कराऊंगा ही नहीं। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं कराऊंगा ऑपरेशन, नहीं कराऊंगा ऑपरेशन। जा जा जा, तू मुझे खड़ा कर, खड़ा कर। अरे बापूजी, लेकिन खड़े होके क्या करना है, आप कहीं जा तो नहीं पाएंगे है? मेरा मतलब है कब से आप खड़े ही थे ना बापूजी, अभी लेटा है तो जरा आराम कर लीजिए ना। नहीं नहीं, मुझे आराम नहीं करना है, तू मुझे खड़ा कर रहा है कि मैं अपने आप खड़ा हो जाऊं। अरे 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 चाचा जी, उतार उतार, आराम से, जैसे उनको बिठाया वैसे वापस खड़ा कर, चले नीचे, ऐसे चलो, ऐसे चलो, आराम से चलो, सीधा करो, सीधा करो, नीचे 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 नीचे, आप खड़े हो जाइए चाचा जी, इस पे चाचा जी रखो, नीचे रखो, रखो, रख दो, रख दो, रख दो, रख दो, आराम से, बस बस बस, बराबर है बापू जी? अरे क्या बराबर है, क्या मुसीबत खड़ा पड़ी है, ये सब बाबू चिपके की वजह से हुआ है, कहाँ है वो बाबू? ये किधर गया? भाग गए बाबू चिपके। अरे हाँ, ये क्या भाग गया, क्या क्या हुआ? क्या भाई, बापू जी मुसीबत में फंसे और तुम मिठाई झपट रहे, ऐसी क्या खुशी की बात है जो मिठाई खा रहे है? उसकी गाय को बछड़ा हुआ। अरे तेरी लापरवाही की वजह से मैं यहाँ चिपक गया हूँ और तू वहाँ बैठ के मिठाई खा रहा था। अरे आप लोग यहाँ से बाहर जाने नहीं दे रहे, भूख लगी है इसलिए मिठाई खा रहा हूँ। बाबू भाई, मिठाई मुझे भी खिलाइए। हंस, व्हाट इज दिस? कोमल, मिठाई में दवाई के तौर पे खा रहा हूँ। मिठाई में शुगर होता है और शुगर दिमाग को तेज करता है, शायद मिठाई खाने से चाचा जी को छुड़ाने का कोई आइडिया आ जाए। ठीक बाबू भाई, मिठाई खिलाइए। चाचा, अरे एक्चुअली बाबू अंकल, मैं भी एक ले लूं। बेबी नहीं मम्मी, वो क्या मुझे भी आइडिया तो आ ही सकता है ना। सही बात है, खाओ बेटा। आइडिया आइडिया बोले आती भाई, सोचिए जल्दी से कोई रास्ता सोचिए, क्या अगर बापूजी को इससे छुटकारा मिल गया ना तो पूरी सोसाइटी को मैं मिठाई खिलाऊंगा। फिर तो जल्दी सोचना पड़ेगा, सोचो। अरे सोचने से याद आया, अंजलि भाभी मेहता साहब कहाँ है? जेठा भाई, मैंने तारक को फोन किया था पर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। आपका फोन कहाँ से उठाएंगे? क्या आपका फोन क्यों नहीं उठाया? मुझे क्या पता, शायद बिजी होंगे। मैं ट्राई करता हूँ, मेरा फोन जरूर उठा लेंगे। क्यों? वो मैं क्या, जब भी मुसीबत में फंसता हूँ तो उनको फोन करता हूँ ना, तो अभी मेरा फोन देख के उनको लगेगा कि मैं किसी मुसीबत में फंसा हूँ, इसलिए तुरंत उठा लेंगे ऐसा। हाँ हाँ, फायर ये फोन तो अब कल ही उठेगा। चाचा जी बेहद परेशानी में हैं, उनके पांव दरवाजे से चिपके हुए हैं और जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी डॉक्टर हाथी, उन्होंने आइडिया दिया लेकिन वो आइडिया चाचा जी को रास नहीं आया। और अब जेठालाल ने ब्रह्मास्त्र अपनाया है, यानी कि अपने फायर ब्रिगेड को फोन किया है, समझ गए होंगे आप कि मुझे फोन किया है और मुझसे उम्मीद है कि मैं कोई आइडिया सोचूं, मैं कुछ ऐसा आइडिया लेके आऊं जिससे चाचा जी परेशानी से बाहर निकल आए, उनके चिपके हुए पांव उखड़ जाए। लेकिन क्या करूंगा मैं, क्या सोचूंगा मैं,
सोचना तो पड़ेगा दोस्तों। फर्ज कीजिए मैंने कुछ सोच भी लिया और वो आइडिया अगर चाचा जी को पसंद नहीं आया तो भाई ये तो तभी पता चलेगा जब मैं पहुंचूंगा गोकुल धाम यानी कि कल। क्या आइडिया सोचूंगा, क्या होगा आगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपके घरों में हंसी का आइडिया मैं लेके आ रहा हूँ। देखते रहिए हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।